आत्मन सत्य को धारण कराओ। देखो ये जीवात्मा है हम लोग, ये आप अच्छी तरह ईश्वर गुरु कृपा से समझ चुके हैं। आत्मा शुद्ध और चेतन है, लेकिन इससे पर्दा आ गया काम क्रोध मद लोभ अहंकार, माया का पर्दा है ना। योग शास्त्र बोलता है ना, योग शास्त्र के ऋषि तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्रकाश का आवरण जो है, प्रकाश है उसके ऊपर जो पर्दा आ गया आवरणम क्षीयते, उसको साधना तपस्या से क्षीण कर दो, खत्म कर दो ना? तो आत्मा से वो पर्दा हटाकर उसमें फिर ये वेद का सत्य जो है, ये जो ज्ञान है वो डालो। वो कैसे होगा? रोज की साधना से, चिंता नहीं करनी है। रोज की साधना से आप देव योनि में आ जाओगे, सेवा करोगे जल्दी। नहीं, साधना के साथ सेवा चाहिए ही चाहिए, सेवा के बिना भगवान कुछ नहीं देता। तो इसलिए पहले सूत्र बना दिया भगवान ने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य तो पितामह है, माता पिता इसी जन्म के साथी हैं, लेकिन आचार्य तो अगले 5 जन्मों में तुम्हें मोक्ष देता है। गुरु वैसे भी आचार्य की कृपा से देव योनि में आप लोग आते हो, फिर तरते हो, वो भी आचार्य ही तारता है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। तो आत्मा जो है, यानी जीव आत्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ है जीव आत्मा, उसमें सत्य, क्योंकि आत्मा का परमात्मा भी होता है, तो परमात्मा में तो सत्य धार किया नहीं जा सकता। परमात्मा के ऊपर तो माया का पर्दा हटाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो शुद्ध चेतन हमेशा, और उस पर कोई पर्दा वर्दा नहीं होता है ना। तो जीव आत्मा हम हैं, हम अपने ऊपर से साधना करके माया का पर्दा क्षीण करके, उससे हटा करके आत्मा अपने स्वरूप में तत्क्षीयते प्रकाश आवरण, प्रकाश का आवरण, तो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में आ जाती है। तो ये कहा, और फिर कामना पूर्ति करके तो सर्वान चुनियन, तो सबको प्रसन्न कर दो। जब आप में सत्य होगा, साधक होगे, आप गृहस्थ के काम भी करोगे, तो आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आपके मुख से प्यार भरी वाणी निकलेगी, सब आपसे प्रसन्न रहेंगे। क्रोध वाली, लड़ाई वाली, गाली गलौज ये नहीं निकलेगा मुंह से, है ना। तो इस तरह से ये उपदेश लिख लो कि हमने नित्य साधना करके, सेवा करके, जो हमारी आत्मा है उसके ऊपर जो माया का पर्दा, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का पर्दा है, साधना करके उसको हम हटा देंगे, फिर हम शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, ब्रह्म को जान जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म हमारे अंदर ही है। जब आप शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अपने रूप में, अपने स्वरूप में, से कहते हैं ना भाई, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टु मैंने जीवात्मा, वो अपने रूप में स्थित हो जाती है, तो वो माया का पर्दा हट जाता है। तो अपने रूप में स्थित हो गई जीव आत्मा,
کہ بھی اب تو میں سوچ چیتن ہوں, میں جیواتما ہوں, میں شریر نہیں ہوں, تو اس جیواتما کے اندر ہی تو پرماتما ہے نا. تو جس نے اپنے کو جان لیا اس نے اپنے اندر جھانک لے گا, وہ پرماتما سے بھی مل جائے گا, وہ پرماتما سے بھی مل گیا, موکش ہو گیا, دنیا کو سکھی رکھتا ہے وہ.